देख रहे हो रियल स्ट्रगल। थोड़ा सा मैं रिलैक्स करता हूँ। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ अमन काला व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। धूप आ चुकी है, मस्त मौसम एकदम कोहरा सा हो रखा है और धूप आ रखी है एकदम बढ़िया वाली। देखो रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा ना इधर से। तो अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऊपर रोड पे, क्योंकि आज भैया और सामान शिफ्ट कर रहे हैं सतपुली, क्योंकि वो है अभी छोटा, उसके स्कूल खुल गए 22 तारीख से, उसके स्कूल है 20-22 तारीख से। तो बस आज उन्होंने मतलब रूम लिया है सतपुली में, तो वही शिफ्ट करना है उन्होंने आज। सामान वगैरह बेड वगैरह तो ले गए, अभी डुटाल भी है ना यहाँ काम कर रहे हैं तो वो ले गए बेड ऊपर। बाकी अब एक आध राउंड मैं रख के आऊँगा सामान भैया के साथ, फिर एक दो और जाएंगे, अभी चलते हैं। तो सूरज आज आ चुका है, धुंध सी लगी हुई है आज, आसमान भी नीला है और सामने भी नीला है। फिलहाल हम ये दो चीज़ें लेके जा रहा हूँ मैं ऊपर, भैया तो चलेगा आगे गद्दा लेके। देख रहे हो रियल स्ट्रगल, इसको बोलते हैं रियल स्ट्रगल। कुर्सी भी एक ही हाथ में और कट्टा भी एक ही हाथ से एडजस्ट किया हुआ है ताकि वीडियो भी बनाया जा सके। यही सीन है यहाँ पे स्कूल्स का यार। अब स्कूल जब दूर होंगे तो आदमी तो भागेगा ही, जैसे उसका स्कूल सतपुली है तो रोज़ यहाँ से अप डाउन तो कर नहीं सकता, क्योंकि एक तो यहाँ रोड घर तक नहीं है, दिक्कत वही है। ये भी तो एक टाइप का पलायन ही हुआ ना, है ना, ना घर छोड़ के इधर उधर निकलने का, खास करके स्कूलिंग के लिए। अब जैसे हमारे साथ सीन था, हमारे टाइम पे भी स्कूल नहीं थे, अभी तो हम भी इधर उधर गए, वरना क्यों जाते। इसीलिए तो गए कि यहाँ स्कूल का सिस्टम ही नहीं था कुछ भी, ना जाने का ना आने का, तो इसलिए भागना पड़ा था। वैसे ही अब जैसे ये भागना पड़ रहा है सतपुली। तो ये आधा सामान पहुंच चुका है ऊपर हमारा, बहुत ही ये वाला है सबसे मुश्किल काम, जिनको डुटाल लेके आए, दो तीन डुटाल मिलके। और ये वापस डोर बंद कर दिया है हमने ताकि हमारा सामान कोई छेड़े ना, ज़रूरी सामान। तो 9:30 बजे आएगा गाड़ी वाला, तब उसमें रखा जाएगा सामान। और अभी फ़िलहाल हम नीचे जाएंगे वापस, अब सामान है भी नहीं वैसे, क्या है रूम के लिए, ये बेसिक सामान ही हो गया, बाकी एक आध पीने का पानी वगैरह के बर्तन वगैरह होगा बस। और सुबह सुबह हमको दिखाया यहाँ पे सांप, देखो 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 कौन आया। आज हमने सांप देखा ऊपर, बच्चा था वो, बच्चा चक जानो रावल। ये पाइप ले जाओ ना, मस्त जा रहा था रस्ते रस्ते, हमने कहा जा भाई तू कहाँ जा रहा है। शिवरात्रि के बाद से अब दिखाया है पहली बार सांप, मतलब जैसे पहले होता ना कि शिवरात्रि से पहले कौन सी आती है यार, उस पर छुप जाते हो फिर नहीं दिखते, उसके बाद अब शिवरात्रि जब चली गई तब दिखाई देते हों। तो गाइस अपन देख के आ गया है पाइप पापा को खेत में, और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा नहाने, ऊपर से वैसी गर्मी हो गई और अभी मेरे को नीचे मतलब बाज़ार भी जाना है भैया के साथ, थोड़ा सामान भी रखवाना है रूम पे, तो चलते हैं अब नहाने, फिर मैं नहा के आता हूँ वापस। तो अभी मैं नहा धो के आ गया हूँ, मैं पहले जा रहा हूँ फटाफट पूजा करने, फिर आता हूँ मैं, ठीक है। तो अपना ब्रेकफास्ट रेडी है, कॉफ़ी अंडा छोले और रोटी, तो मैं पहले ब्रेकफास्ट करता हूँ उसके बाद हमने निकलना है। ओके बाय। हाँ ले आया चाबी। तो अब हम चलते हैं पर, भैया निकल लिया आगे। तो अब है ये अपना सेकंड राउंड, मतलब इसमें है भी नहीं सामान ज़्यादा, पर यह है कि कुसज करता है, डिस्कम्फर्ट होता है थोड़ा। तो मैं आ गया हूँ ये बैग लेके ऊपर। हाय गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, और सामान लाते टाइम तो वैसे भी पसीना ही पसीना हो जाता है। तो अब हम गाड़ी का इंतज़ार करेंगे यहाँ पे बैठ के कुछ देरी, सतपुली से आ गई होगी गाड़ी, तब तक यहाँ पे बैठेंगे मस्त आराम से एकदम। चल यहाँ से आ रही है एसी की हवा, देख रहे हो विंडो। अरे खच्चर भी आ गए हैं अपने काम के लिए वापस, और यहाँ पे हमारा भैया गाड़ी लेके आप पहुँच गए हैं यहाँ पे
में भरेंगे अब हम सामान। सामान तो चला गया, 5 मिनट लगे रखने में, बस कुछ भी सामान नहीं था, जरा सा था। और अब मैं भी चलता हूँ गाड़ी लेके, भैया तो चले गए। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं कमरे पे, हमने सामान रख दिया है यहाँ पे, देखो ये सब उठा के अभी मैं लाया हूँ यहाँ पे। और कमरे हैं यहाँ पे, 2 कमरे हैं, एक किचन है, ये है एक कमरा, ये है डिश। लाइट नहीं जलाएंगे हम बिना बात के, सेव इलेक्ट्रिसिटी। ये किचन है और ये लॉबी है यहाँ पे। ये दीवान आ गया चला रूम टूर, और दीवान आ रहा है अभी भैया, और लेके आ रहे हैं बेड, यहाँ से दिखेंगे आपको। ये देखिए सामने हमारे एक्सपीरियंस रूम, कितना मुश्किल काम है देखो। तो अभी हम आए हैं यहाँ नीचे सतपुली, और सिलेंडर हमने उठा लिया है, और अब हम जाएंगे वापस कमरे पे, फिर मिलते हैं हम आपको। तो चलते हैं हम इसको लेके कमरे पे। तो फाइनली सारा सामान हो गया है शिफ्ट, और अब हम जा रहे हैं वापस मार्केट की तरफ। गाओ तो पहले, गाओ भाई। ये स्पेशल डिजाइन है चिप्स के, जो सिर्फ होली पे आते हैं। तो गाइज हम खोली में आ गए हैं, सतपुली की खोली में, और हमने सामान वामान रख लिया। और देख रहे हो बाल कटवा दिया आज मैंने, मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ, क्या बोल के। गाइज अभी हम जा रहे हैं मोमोज खाने, हमारा काम हो गया है, जो भी था शिफ्टिंग वगैरह का, जो भी काम था सब हो गया है। और ये आए हम पेट्रोल पंप वाली रोड पे, अब हम जाएंगे मोमोज खाने, शानदार मोमोज डंगवाल रेस्टोरेंट के। भाई स्वाद ही आ गया, मज़ा आ गया खा के एकदम। मोमोज और कबाब खाए, पर 40 रुपये प्लेट है मोमोज भी और कबाब भी। मोमोज भले ही 40 के आठ पर बड़े बड़े साइज के, लेकिन आए हाय डंगवाल रेस्टोरेंट, मतलब मजा ही आ गया। One hour later. तो अब हम हो गए हैं रेडी घर जाने के लिए। और जिद देखो, जिद कैसी कैसी होती है। एक होती है जिद टॉफी मांगने की, खाने की चीज मांगने की, और एक है घर पे अब भी उसकी जिद है ये, देख रहे हो अलग ही डिमांड, बिल्कुल अलग डिमांड। मतलब एक होती है डिमांड हल्की फुल्की, एक है बिल्कुल अलग डिमांड, कुकड़े के बच्चे लाना वाले मेरे, बताओ। और सीरो है घर में, 2 मिनट में शिकार कर देगी, 2 मिनट में, ज़्यादा देर भी नहीं लगाएगी। वह सतपुली में इतनी भीड़ थी, और अब देखो भीड़ बिल्कुल नामो निशान हो गई है। तो सामान हमने लाद दिया है, देखो 1, 2 और तीसरा भैया का बैग, और भैया वहाँ से टॉफ़ी लेते हुए मेरे लाने का, ज़रा टॉफ़ी ले आओ खाने के लिए।